बहुत लिमिटेड चीज़ें बताई हैं, इनको तो करके ही जाना है आपको एनी हाउ, कोई भी सिचुएशन में नहीं छोड़ के जाना है, आपने कर लिया है तो वापस रिवाइज करना। एंड सोलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आप सबका, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हैं, समझ में नहीं आ रहा, एंग्जाइटी अलग हो रही है कि सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, आपने साल भर मेहनत करी, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, ठीक है। किसी के बहकावे में आओ, अपने दोस्तों से बातें बंद कर दो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड से बात करते हैं, वो फ्रेंड्स ऑलरेडी डीमोटिवेट होता है और वो तुम्हें भी मोटिवेट कर देगा। किसी से कोई कनेक्शन रखने की जरूरत नहीं है, उसके नंबर नहीं आएंगे लेकिन वो कहेगा मेरे 650 नंबर आ रहे हैं और तुम और डीमोटिवेट हो जाओगे। सो दिस इज द मोमेंट यू हैव टू शट डाउन ऑल डोर्स ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज आपको किसी की जरूरत नहीं है इस मोमेंट पे, सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत है। और मैं आपको बताऊंगा, आप उस रास्ते पे चलो, आपको जरूर सिलेक्शन की राह मिलेगी। ओके, जो स्टूडेंट का सिलेबस हो चुका है उन्हें भी ये क्वेश्चंस करने हैं, जिनका नहीं हुआ उन्हें भी ये चीज़ें करनी है, बिकॉज जो मैं बताने वाला हूँ आप मान के चलो इसमें से 100 नंबर का गारंटी आपके पास आएंगे। अगर 100 नंबर आपके नहीं आते हैं, ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते, तो आप मुझे अब बताना 5 मिनट का, ओके सर आपने जो बताया उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए। एंड आई एम वेरी श्योर, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ रिसर्च करके दी, मैंने लास्ट के 5-6 साल के जब से नीट स्टार्ट हुआ उसके बाद से मैं सारे पेपर देख रहा हूँ, और उसके अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं इतने ज़्यादा रिपीटेड है कि हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है। पेन पेपर लेके बैठना और जो मैं बताऊं समझना। जो स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं मैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चलो बात करते हैं अपन सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं, सर एनसीईआरटी पढ़े नहीं पढ़े। अब देखो, जो पढ़ना है आप पढ़ लेना, पढ़ लिया और पढ़ना है तो पढ़ लेना। अब जो मैं बताऊं वो चीज़ ज़रूर करके जाना। सबसे पहली चीज़ है आपकी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसमें आपको पता है 14 को जो रोल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 नाइट्रोजन उसके कितना होता है 3 होता है। ऊपर जाओगे एक एक इलेक्ट्रॉन तो 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाता है, नीचे भी जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाता है। वो आपको चीज़ मैंने पूरी वीडियो में समझा रखी है, आप जाके देख सकते हो। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके जितने भी एक्सेप्शन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन डाउन द ग्रुप कईयों की इंक्रीज हो जाती है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये ट्रेंड है, सेट ऑफ ट्रेंड है, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं और एक्सेप्शन से ही आते हैं, इसीलिए आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब के एक्सेप्शन और नॉर्मल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ऐसे याद करना है, ऐसे ऐसे याद करना कि भाई डाउन द पीरियोडिक टेबल में अलॉन्ग द पीरियड जाऊंगा, डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो क्या होता है, ऐसे याद करना। ओके, तीसरी चीज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन। आपको कन्फर्म क्वेश्चन मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन का, आप ऐसा रट के जाओ दिमाग के अंदर कि भाई क्या होता है, तो बस ऐसे होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करके आओ बस यूँ ही। मुझे पता है sp3 क्या होता है, sp3d कब होता है, d2sp3 कब होता है, sp3d2 कब होता है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन के बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पर, कहीं से भी देख के कंप्लीट करो, क्वेश्चन आएगा। चौथी चीज़ है MOT, MOT पे क्वेश्चन आता है कि पेयरिंग हो रही है कि अनपेयरिंग हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए MOT के अंदर, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसके बाद लास्ट टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो है KMnO4 और K2Cr27, इसकी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट, बिकॉज रेडॉक्स में आती है, इसकी स्ट्रक्चर कलर, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 5 टॉपिक मैंने बताए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप ये ज़रूर करके जाना, और आई एम श्योर 5 में से 4 टॉपिक आपको नीट में मिल जाएंगे, सिर्फ इनऑर्गेनिक के अंदर बात करी मैंने ये, तो प्लीज़ इनको अच्छे से करके जाना। इस चीज़ पे चलते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको करना है 0 ऑर्डर रिएक्शन और 1st ऑर्डर रिएक्शन। ये चीज़ आपको फिजिक्स में भी काम में आने वाली है, फिजिक्स में भी सेम चीज़ें हैं। क्या करनी है, 0 ऑर्डर और 1st ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ के जानी है, हाफ लाइफ क्या होती है 0 ऑर्डर रिएक्शन में, रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो, अदरवाइज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब आपको पता होना चाहिए वोंट हाफ फैक्टर के साथ, आई की वैल्यू, कभी आई अल्फा दे देगा और आपसे आई पूछ लेगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा आई का वैल्यू है, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, ये चीज़ें हैं। अभी भी नहीं पढ़ा आप पढ़ लो, क्वेश्चन आएगा, और आप अगर नहीं करके आओगे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे। तीसरी चीज़ आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा का फॉर्मूला, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बोहर मॉडल पे आता है कई बार, फॉर्मूला पता है डेल्टा इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी, ठीक है, सारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3-4 तरीके से लिखते हैं उसको, कुछ भी पूछ लेता है, एक चीज़ दे देता है और एक चीज़ पूछता है बाकी सारी चीज़ें दे देता है, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। फोर्थ जो चीज़ है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम्स में भी आती है, यहाँ भी आती है, ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये ग्राफ आपको पता होंगे कि भाई ये जो ग्राफ होता है और एक जो ग्राफ नीचे जाता है, हीट किस में निकलती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ग्राफ, वो आपको पता होने चाहिए। फिफ्थ जो चीज़ है वो है डेल्टा यू डेल्टा एच डेल्टा एस, इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है, इससे आप आंसर निकाल सकते हो, स्पॉन्टेनिटी नेगेटिविटी, ठीक है, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो हो जाता है, ये भी पूरा आपको आना चाहिए, एक टॉपिक है सिंपल सा, उसको अच्छे से कर जाना, नहीं पढ़ा हो तो अभी भी पढ़ लेना, अभी भी आपके पास मौका है।
सिक्स्थ चीज़ है बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, ठीक है, आपके जितने भी लो हैं अच्छे से कर जाना। एक लो पे क्वेश्चन आता है, ग्राफ के ऊपर आ जाता है, कभी प्रोपोर्शनैलिटी पे आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपको आना चाहिए। इसके बाद जो सेवन्थ और लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम, बहुत बड़ा चैप्टर है, स्टूडेंट कन्फ्यूज है सर क्या पढ़ा आयोनिक में। आयोनिक में आप सिर्फ सॉल्युबिलिटी पढ़ जाओ, लाइक सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे NaCl है तो दो होती है, ठीक है, दो दो आयंस में टूटता है, और जैसे CCl4 जो भी अलग अलग आयंस है उन सबके उसके हिसाब से उसका आंसर निकलता है सॉल्युबिलिटी का। तो वो आपको पता नहीं, 4s³, 27s⁴, वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए सॉल्युबिलिटी, अल्फा अल्फा दे देता है, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। अभी भी आपके पास मौका है, आप पढ़ लो। लास्ट एंड फॉरमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 5-6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें अच्छे से समझ लो, और इनको प्लीज़ मैं जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करो, आपको फ़ायदा मिलेगा लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज आप नहीं पढ़ सकते सब कुछ इस समय, आप सिर्फ वही पढ़ सकते हो जो आपके पढ़ने का ज़रूरी है, वही पढ़ो। पहला क्वेश्चन नॉमनक्लेचर, एक क्वेश्चन आएगा IUPAC से, आप लिख के ले लो अभी, IUPAC पे सिंपल सा चेन बना के आपको सर्च करनी है चेन, और उसके बाद उसका नेमिंग करनी है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आएगा नेम रिएक्शन, आ सकता है नहीं, आएगा ही आएगा नेम रिएक्शन में, एक क्वेश्चन नहीं दो क्वेश्चन, कभी आपके रिमर्टिमन पूछ ली, क्लाइन फिल्टर क्या, आपकी रिमर्टिमन, एल्डोल, कैनिजारो, ईटार, कोई सी भी रिएक्शन पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, नेम रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए। 30 नेम रिएक्शन से मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, आप वो सारी चीज़ें अच्छे से याद रट करके जाओ। क्वेश्चन अगर आपको नंबर लाने ऑर्गेनिक के अंदर तो नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ SN1 SN2 सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN1 SN2, ये अच्छे से आना चाहिए, कुछ आए ना आए GOC2 में सिर्फ ये अच्छे से करके जाओ, SN1 SN2 क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, क्योंकि वो उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और रीअरेंजमेंट होता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसमें क्या होता है। चौथी चीज़ है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करके जाना है। फिफ्थ चीज़ है GOC1 में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, ये सारे इफेक्ट आपको पता होने चाहिए, दो क्वेश्चन कन्फर्म इससे आने वाले हैं। देख रहे हो आप कितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि सिर्फ यहीं से कर जाऊँ ये सब आ जाएंगे नंबर, पर आप अगर अब भी नहीं करोगे तो आपकी मिस्टेक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूँ। और सिक्स्थ चीज़ है क्रोमेटोग्राफी, जिल्डाल मेथड, डूमास मेथड, अच्छे से करके जाना, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये क्वेश्चन आए नीट के अंदर, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें अच्छे से करके जाना। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें बताई हैं, इनको तो करके ही जाना है आपको, एनी हाउ कोई भी सिचुएशन में नहीं छोड़ के जाना है, आपने कर लिया है तो वापस रिवाइज करना। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या बता जा रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन आस्क मी माई Instagram ID और माई Telegram channel @MedicoPathan। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।